बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्रोसेस सीरीज़ की इस वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो व्यूअर्स, मेरे चैनल का एड्रेस है www.youtube.com/sabdardogar। तो व्यूअर्स, आज हम एक एग्जाम्पल करते हैं डू वाई लूप के अंदर, और कुछ समझ लें कि एडवांस किस्म की हम एग्जांपल करेंगे। जैसे ये प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट दिस एंटिटी इनटू एन अदर एंटिटी, मीन जैसे किलोमीटर टू मीटर, किलोमीटर टू माइल, सेंटीमीटर टू मीटर, सो ऑन। अब कुछ हिंट्स हैं आपके लिए। जैसे मैं कहता हूँ, एक किलोमीटर जो है ना वो बराबर होता है 1000 मीटर के। इसी तरह एक किलोमीटर जो है ना वो बराबर होता है यानी 1,00,000 सेंटीमीटर, 1,00,000 सेंटीमीटर के। इसी तरह अगर एक मील की बात की जाए तो वो होता है बराबर 1.60934 किलोमीटर के। अब जब प्रोग्राम आपका चलेगा तो उसकी आउटपुट कुछ इस तरह से आनी चाहिए, यानी कि अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो एंटर सेंटीमीटर, आपको एंटिटी सेंटीमीटर देनी पड़ेगी। अगर 2 एंटर करेंगे तो एंटर आपको मीटर एंटर करने पड़ेंगे। अगर आप 3 एंटर करेंगे तो आपको एंटर किलोमीटर करने पड़ेंगे। अगर आप 4 एंटर करते हैं तो आपको एंटिटी जो है ना वो माइल्स में देनी पड़ेगी। और नीचे ऑप्शन आ जाएगी, प्लीज एंटर योर चॉइस 1 to 4। आपने 1 to 4 कोई भी नंबर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 प्रेस किया तो मैसेज आ जाएगा, प्लीज एंटर योर एंटिटी इन सेंटीमीटर। मैंने 2000 सेंटीमीटर दे दिया तो आपको वो कन्वर्ट करके दे देगा, 2000 सेंटीमीटर इज 20 मीटर एंड 0.02 किलोमीटर एंड 0.012475 माइल। उसके बाद अगर आप कहते हैं डू यू वांट टू कंटिन्यू, वाई प्रेस करेंगे तो ये दोबारा फिर आपसे एंटिटी ले लेगा। अगर आप एन प्रेस कर देंगे तो प्रोग्राम से आप बाहर निकल आएंगे। तो ये व्यूवर्स आज का समझ लें कि प्रोग्राम है जो आज हम इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैंने देखा यहाँ पे व्यूवर्स प्रोग्राम किया हुआ है ताकि आपका टाइम जो है ना बच जाए। मैंने लॉन्ग के अंदर एक एंटिटी लिया किलोमीटर के नाम, वेरिएबल ले लिए लॉन्ग डबल के नाम से, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और उसके बाद माइल। और एक मैंने वेरिएबल लिया है इंटीजर सी एच के नाम से, ठीक है। और उसके बाद एक मैंने करेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया चॉइस के नाम से। डू का वैल लूप स्टार्ट कर दिया और डू का वैल के बाद के मैंने एक फंक्शन लगा दिया सिस्टम सी एल एस, सिस्टम उसके बाद डबल कोट के अंदर सी एल एस, यानी कि जो भी आउटपुट नहीं आएगी वो उसकी स्क्रीन को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, एक लाइन लगा देंगे। उसके बाद मैंने मेन्यू बना लिया, जैसे ये मेरे मेन्यू है, सी आउट 1 : enter सेंटीमीटर एंड लाइन, सी आउट 2 : enter मीटर, सी आउट 3 : enter किलोमीटर, सी आउट 4 : enter माइल्स। उसके बाद फिर मैंने एक लाइन लगा दी सी आउट के थ्रू और उसके बाद मैसेज आ जाएगा, अगर आप यानी कि यहाँ पे कोई भी यानी कि नंबर जो है ना वो प्रिंट करें, सॉरी मैसेज आ जाएगा, प्लीज एंटर योर चॉइस 1 to 4। जो भी आप नंबर देंगे वो नंबर जो है ना किस में स्टोर हो जाएगा, सी एच में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये नंबर जो है ना सी एच की जो वैल्यू है ना उसको हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर पास करा देंगे। अब स्विच स्टेटमेंट के बाद आ जाएगा केस वन के अंदर क्या हो जाएगा, यानी कि अगर सी एच के अंदर 1 प्रेस किया आपने, यानी कि अगर आपने 1 किया है तो इसका मतलब है कि आपको जो एंट्री है ना वो देनी पड़ेगी, प्लीज एंटर योर एंटिटी इन सेंटीमीटर। तो आपको एंट्री जो आपको देनी पड़ेगी किसमें देनी पड़ेगी, सेंटीमीटर देनी पड़ेगी। और सी एन आप कर लेंगे सी एन। अब मीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर बराबर होता है सेंटीमीटर को अगर हम डिवाइड कर देंगे 100 पे तो वो किसके बराबर निकल आएगा, मीटर की। यानी कि किसी भी सेंटीमीटर वैल्यू को अगर हम 100 पे डिवाइड कर देंगे तो वो आपका मीटर निकल आएगा। इस तरह अगर आप सेंटीमीटर वैल्यू को 1 लाख पे डिवाइड कर देंगे तो वो क्या निकल आएगा, आपका किलोमीटर निकल आएगा। इसी तरह अगर आप सेंटीमीटर को 1,60,934 पे डिवाइड कर देंगे तो वो आपका क्या निकल आएगा, माइल निकल आएगा। और सी आउट आप कर देंगे, सेंटीमीटर की वैल्यू इज ए मीटर की वैल्यू शो हो जाएगी और उसके बाद किलोमीटर की वैल्यू शो हो जाएगी और उसके बाद आपकी जो है ना माइल की वैल्यू जो है ना वो शो हो जाएगी और उसके बाद ब्रेक का की बढ़ा जाएगा। इसी तरह अगर आप केस टू पे आ जाते हैं, अगर यानी कि सी एच में आप केस टू यानी कि सेलेक्ट करते हैं तो मैसेज आ जाएगा, प्लीज़ एंटर यूर एंटिटी इन मीटर। तो सी एन आपकी मीटर में वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद अगर आप मीटर में वैल्यू देंगे तो मीटर को अगर आप 100 पे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ तो वो क्या निकल आएगा, आपका सेंटीमीटर निकल आएगा। इस तरह अगर आप मीटर को डिवाइड कर देंगे 1000 पे तो आपका किलोमीटर निकल आएगा। इस तरह अगर आप सेंटीमीटर को 1,60,934 पे डिवाइड कर देंगे तो आपकी माइल की वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद सारी वैल्यू जो है ना आप यहाँ पे
वो शो करा देंगे और उसके बाद ब्रेक का कीवर्ड आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा केस थ्री। केस थ्री मतलब आपने अगर अपनी एंटिटी जो है ना किलोमीटर में देनी है, तो मैसेज आ जाएगा प्लीज एंटर योर एंटिटी इन किलोमीटर, तो KM में आ जाएगा, तो सेंटीमीटर पहले निकालेंगे। अगर आप 1,00,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर के साथ, तो आपका निकलेगा सेंटीमीटर। इसी तरह अगर आप 1,000 को किलोमीटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका मीटर निकल आएगा। इसी तरह अगर आप सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे 160934 पे, तो आपका वो माइल निकल आएगा। इसी तरह आपकी सारी वैल्यू जो है ना आप यहाँ पे क्या करा देंगे, आउटपुट करा देंगे, और उसके बाद आपका ब्रेक का कीवर्ड आ जाएगा। उसके बाद केस फोर, यानी कि अगर आपने फोर चॉइस नंबर लिया हुआ है, तो आपको एंट्री देनी पड़ेगी माइल के अंदर, प्लीज एंटर योर एंटिटी इन माइल, आप माइल सी एन माइल हो जाएगा। उसके बाद माइल को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.60934, तो वो आपका किलोमीटर निकल आएगा। इसी तरह अगर आप 1,00,000 को किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो CM निकल आएगा। अगर आप किलोमीटर को 1,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो मीटर आपकी वैल्यू निकल आएगी। और इसी तरह आप उन वैल्यू को जो है ना सारी को क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। और उसके बाद ब्रेक का कीवर्ड आ जाएगा और डिफॉल्ट में डाल देंगे इन, यानी कि इसके अलावा अगर आपको कोई एंटिटी देते हैं, तो वो आ जाएगा इनवैलिड एंटिटी में। और यहाँ पे स्विच के यू नो स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद आपके मैसेज डिस्प्ले करा देंगे, डू यू वांट टू कंटिन्यू, वाई प्रेस करेगा या एन प्रेस करेगा, और वो चॉइस में आ जाएगा। और उसके बाद ये आपका डू वाइल का लूप यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे आप वाइल का कीवर्ड यूज करेंगे, यानी कि चॉइस के अंदर अगर छोटा वाई या चॉइस के अंदर कैपिटल वाई अगर आप प्रिंट करते हैं, दोनों में से कोई भी वैल्यू आ जाएगी, तो आपकी वैल्यू जो है ना समझ ले वो कंडीशन के आ जाएगी ट्रू हो जाएगी। अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आप दोबारा फिर जो है ना डू कीवर्ड से स्टार्ट कर लेंगे। और जैसे डू वर्ड स्टार्ट करेंगे, तो स्क्रीन क्लियर होगी और उसके बाद दोबारा फिर वही ऑप्शन जो है ना आपके पास आ जाएंगी। बट अगर आप वाई के अलावा कोई भी एंट्री करते हैं, तो आप लूप में से बाहर निकल आएंगे और आपका प्रोग्राम जो है ना वो टर्मिनेट हो जाएगा। चेक करते हैं इसको। तो इसके अब देखें, जैसे मैं करता हूँ प्लीज एंटर योर चॉइस 1 to 4, मैंने 1 प्रिंट कर प्रेस कर दिया, तो ये आ जाएगा प्लीज एंटर योर एंटिटी इन सेंटीमीटर। मैं देता हूँ जी 2000 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 2000 सेंटीमीटर इज 20 मीटर एंड 0.2 किलोमीटर एंड यानी कि समथिंग ये माइल आ जाएगा। डू यू वांट टू कंटिन्यू, वाई यस, तो फिर मैं देता हूँ जी 2। इसके अंदर मैंने मीटर में वैल्यू देनी है, तो मैं देता हूँ 2000 मीटर। 2000 मीटर इज ये आ जाएगा सेंटीमीटर आ जाएगा, 2 किलोमीटर आ जाएगा और 1.24275 जो है ना आपका माइल आ जाएगा। उसके बाद वाई प्रेस करते हैं, उसके बाद मैं जो वैली जो है ना मैं देता हूँ जी किलोमीटर के अंदर, मैं कहता हूँ जी ये जी 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर इज इक्वल टू ये 5 लाख सेंटीमीटर एंड 5000 मीटर एंड 3.10686 जो है ना आपका माइल आ जाएगा। इसी तरह अगर आप माइल की वैल्यू जो है ना वो देते हैं 3 माइल, सॉरी यहाँ पे वैसे डमी वैल्यू दे दें, मैं यहाँ पे अगर 4 देता हूँ, तो यहाँ पे आपको माइल में वैल्यू देनी पड़ेगी, मैं कहता हूँ 3 माइल, तो ये आपका 3 माइल इज इक्वल टू ये सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आपका मीटर आ जाएगा और ये आपका किलोमीटर के अंदर वैल्यू निकलेगा। जैसे आप एन प्रेस करेंगे या कोई भी वैल्यू प्रेस करेंगे, तो आपको प्रोग्राम से टर्मिनेट हो जाएंगे। तो आज के प्रोग्राम को यहीं एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन जेन में रेज हो रहा हो, तो इसको कमेंट्स में डाल दें, इंशाल्लाह उसका आंसर आपको दिया जाएगा। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।